नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे पितरों की प्रतिमा को वास्तु के अनुसार सही दिशा में हमें किस स्थान पर लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाना चाहिए, और बार बार यदि परिजन आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं तो क्या हमें समझना चाहिए उसके शुभ या अशुभ संकेत, और क्या हमें उपाय करना चाहिए, कैसे हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, हमारे घर में खुशी का माहौल होता है, हमारी जो संतानें होती हैं, जो कुल वंश की वृद्धि होती है, वो पितरों के आशीर्वाद से ही होती है। हमारा ये जो मनुष्य जीवन है वो हमारे पितरों के ही आशीर्वाद से हमें ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है। हम उनके कुल वंशज हैं, इसीलिए कुल देवी के पूजा करने की परंपरा होती है। जिसके घर में कुल देवी नाराज हो जाती हैं उनके घर में कलह क्लेश अधिक होता है, पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है, कुल वंश की वृद्धि नहीं होती है। जो बहुएं आती हैं उनका मिसकैरेज हो जाता है बार बार, घर में बच्चों की विवाह में बहुत विलम्ब होता है, बहुत तरह की इस तरह की परेशानियाँ भी झेलने को मिलती हैं। इसलिए पूर्वजों की प्रतिमाएँ हमें सही दिशा में लगानी चाहिए। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपको अपने पूजा मंदिर में अपने पूर्वजों की प्रतिमाएं कदापि नहीं रखनी चाहिए। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग भाव में, प्रेम में देवी देवताओं के साथ में पूर्वजों की प्रतिमाएं रखकर हर दिन पूजा करते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। देवताओं का स्थान अलग है, पूर्वजों का स्थान अलग है। सभी के लिए हमारे मन में आस्था है, प्रेम है, भाव है, लेकिन स्थान अलग होने के कारण आप उन्हें अलग अलग स्थान पर रखें। दूसरी अहम बात, कभी कभी बहुत सारे लोग अपने बेडरूम में अपने पूर्वजों की प्रतिमाएं लगा लेते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम वास्तु के अनुसार देखें तो हमें अपने बेडरूम में अपने माता पिता या फिर सास ससुर या फिर आपके देवी देवता जो होते हैं, किसी की भी प्रतिमा अपने बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। देखिए, हम लोग बेडरूम में आराम करने जाते हैं, शयन करने जाते हैं, इसलिए वहाँ पर सिर्फ स्वयं की प्रतिमाएं आप लगाएं। अपने विवाह की पिक्चर लगा सकते हैं, आप अपने बच्चों की तस्वीरें लगा सकते हैं, यहाँ तक कि वास्तु के अनुसार एडल्ट बच्चों की फ़ोटो, जो हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, विवाह योग्य हो चुके हैं, उनकी भी तस्वीरें हमें अपने बेडरूम में बिल्कुल बेड के सामने नहीं लगानी चाहिए। ऐसे करने से भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अब बेडरूम में कौन सी तस्वीर लगानी है उसके लिए मैंने एक वीडियो सेपरेट दी है, तो वो आप देख सकते हो। वैसे अपने बेडरूम में अपने विवाह की पिक्चर, अपने छोटे बच्चों की पिक्चर, या फिर लड्डू गोपाल की पिक्चर आप लगा सकते हैं, या फिर राधा कृष्ण की पिक्चर आप लगा सकते हैं। कौन सी मुद्रा किस दिशा में, ये सभी जानकारी मेरे उस वीडियो में है, तो आप वो देख सकते हो। तो आपको क्लियर हो गया, पूजा मंदिर में नहीं रखना है और अपने बेडरूम में अपने पितरों की, अपने मृत परिजनों की पिक्चर, तस्वीरें नहीं लगानी है। अब लगाएं तो किस दिशा में लगाएं, तो देखिए आप यम की दिशा में लगाएं। यम की कौन सी दिशा होती है, साउथ की वॉल जो होती है, साउथ की दिशा जो होती है, दक्षिण की दीवार जो होती है, वो यम की दिशा मानी जाती है, और वहाँ पर आप पितरों की पिक्चर, पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में आपको लगाना है, कोने में नहीं लगाना है। जो हमारे वास्तु के अनुसार आठ दिशाएं होती हैं, चार दिशाएं आप सभी को पता है, चारों कोनों को मिलाकर आठ दिशाएं होती हैं, इन कोनों में आपको नहीं लगाना है। चाहे आप किसी भी रूम में लगा रहे हों, दक्षिण की वॉल का चुनाव आपको करना चाहिए, ये आप कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नर में आपको नहीं लगाना है, मिड में आपको लगाना है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देती हूँ। मान लीजिए आपकी ये दीवार है, साउथ की वॉल है, दक्षिण की वॉल है, आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो इस तरह से पिक्चर आप लगा देंगे, ठीक है। पितरों की पिक्चर इस तरह से आपने लगाई है, अब इनका मुख नॉर्थ की वॉल पे होगा। जाहिर सी बात है, जब आप दक्षिण की वॉल पे, साउथ की वॉल पे कोई भी पिक्चर लगाएंगे, उसका मुख नॉर्थ की वॉल पे होगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम इस दीवार पर लगाएंगे उनका मुख, मुख से मतलब नहीं है। आपको जहाँ पर हैंग करना है या फिर कोई अलमीरा हो आप उसमें भी रख सकते हैं, ऐसा वो नहीं कि आपको हैंग करना ही है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है, जब भी आप अपने पितरों का तस्वीर लगाते हैं खाली नहीं छोड़ना है।
खाली पिक्चर आपको नहीं रखनी है, उस पर कोई एक माला, हार, जो आर्टिफिशियल हार आता है उसे आपको डालकर रखना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी हमारे हॉस्पिटल होते हैं, अस्पताल होते हैं, उनमें पूर्वजों की प्रतिमाएं हार लगी हुई टंगी होती हैं। पुराने पिक्चरों में आपने देखा होगा कि ड्राइंग रूम में लोग पितरों की पिक्चर लगा देते हैं हार वगैरह डालकर, और जो सुनार होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों की प्रतिमाएं उन्होंने लगा के रखी होती है विद हार, प्रतिदिन उनके सामने एक दीपक लगाते हैं। तो देखिए, पूजा पाठ आप हर दिन करें या ना करें, सबसे पहले तो आपको अपने पितरों के प्रति आस्था, प्रेम और सम्मान होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में होता है हमें हमारे पितरों ने क्या दिया है, हम क्यों उनके लिए दान पुण्य करें, हम क्यों उनकी सेवा करें, हम क्यों उनके नाम से दीपक लगाएं। ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, पितरों की कृपा से ही हमारी कुल वंश की वृद्धि होती, हमारे संतानें उन्नति करती हैं, इसलिए कभी भी ऐसा भाव आपके मन में नहीं होना चाहिए। आपके पिता जैसे भी थे, आपके पितर थे, आपके पूर्वज थे, उन्हीं के आशीर्वाद से आपका ये मनुष्य जीवन इस धरती पर हुआ है। वो उनके लिए जो उन्होंने किया उनके ऊपर आप छोड़ दी, आपको अपने सत्कर्म करना है, ठीक है। तो आपको पितरों के नाम से दीप दान करना होता है। कुछ शुभ तिथियां होती हैं जो कि पितरों के नाम समर्पित होती हैं, उन तिथियों पर आप कर सकते हैं। जैसे कि महीने में एक तिथि आती अमावस्या तिथि, अमावस्या तिथि पितरों के नाम समर्पित है, तो आप उस दिन एक दीप दान आप अपने घर में भी कर सकते हैं, जहाँ पर पितरों की तस्वीरें हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं, या फिर आप अपने घर के चौराहे पर कर सकते हैं, या फिर आप किसी नदी, तालाब, सरोवर के किनारे कर सकते हैं, अथवा आप पीपल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। पीपल वृक्ष में भी अनेक देवी देवताओं का भी वास होता है और समय समय पर अलक्ष्मी का वास होता है और हमारे पितरों का भी वास माना जाता है। तो इसलिए आप पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं, थोड़े से काले तिल भी आप डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम तिल के तेल का दीपक नहीं लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का लगाएंगे तो उसका शुभ परिणाम आपको ज़्यादा प्राप्त होगा, इसीलिए घर में पितरों के लिए सरसों का तेल का दीपक लगाने के लिए मना किया जाता है, आप घर से बाहर लगा सकते हैं। यदि श्राद्ध पक्ष है, अमावस्या तिथि है, तो तिल के तेल का दीपक आप अपने घर में लगा दीजिए। सरसों का तेल तीक्ष्ण होता है, कलकलेश होने का चांस बढ़ जाता है, उग्रता आती है, इसलिए घर में सरसों के तेल लगाने की मनाही हमारे शास्त्रों में की गई है। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा समझते चलें। अब आपने हार पहना दिया, आप हर तिथियों पे, शुभ तिथियों पे एक दीप दान करते हैं। अब भोजन का दान बहुत महत्व होता है। गरुण पुराण के अनुसार, आपने कभी गरुण पुराण पढ़ा हो या फिर सुना हो, उसमें बताया गया है कि हमारे जो मृत परिजन होते हैं, जब वो मृत लोक छोड़कर यम लोक को जाते हैं, फिर अपने कर्मानुसार उन्हें अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है, कुछ दिनों तक उन्हें यम लोक में वास करना पड़ता है, अनेक अनेक प्रकार की यातनाएं उन्हें मिलती हैं, ऐसे दशा में उनके जीवन यापन करने की कोई भी सुविधा वहां पर नहीं होती है। जो उनके परिजन, जो उनके परिवार के लोग खाने पीने की चीज़ें यहां से प्रदान करते हैं, वह हवा के द्वारा, वो एक मतलब भाव से उन तक वो चीज़ें पहुंचती है और उनका सेवन वो करते हैं और फिर वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, ऐसी प्रक्रिया चलती है। इसीलिए पितृपक्ष श्राद्ध में 16 दिनों के लिए पितृपक्ष धरती पर आते हैं और अपने अपने घर पर अपने अपने परिजनों से जो है श्राद्ध तर्पण जो करते हैं हम, उन्हें मिलता है और उनसे वो खुश हो जाते हैं। इसी तरह से आप अमावस्या पर भी श्राद्ध तर्पण करते हैं, तो हर अमावस्या पर एक आपको नियम बना लेना चाहिए। अपने पितरों की असीम कृपा पाने के लिए हर अमावस्या तिथि पर आपको भोजन का दान करना चाहिए। जैसे कि 5 महादान होते हैं, जिनमें भोजन भी एक, अन्न का दान भी महादान के अंतर्गत आता है, भूमि दान, गौ दान, कन्या दान, इस तरह के दान हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तो अन्न का दान भी सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि अन्न से ही हमारे शरीर का भरण पोषण होता है और हमारे ये जीवन हमारा चलता है। भोजन के बिना हम ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है, इसलिए भोजन का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो आप हर अमावस्या पर पके हुए भोजन, आपके घर में जो भी सात्विक भोजन बनाया जाता है, लहसुन प्याज का इस्तेमाल आप ना करें, सात्विक भोजन आप पकाकर और किसी भी गरीब ज़रूरतमंद को खिलाते हैं, तो वो आपके पितरों को प्राप्त होता है।
और वहीं पर आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को आप नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बना सकते हैं भोजन सूखा अनाज, चावल, आटा, दाल, साग, सब्जी, फल, मिठाई, जो कुछ भी आपसे बन पड़ता है दक्षिणा के साथ में हर अमावस्या तिथि पर आपको संकल्प लेकर उसे ब्राह्मणों को दान के लिए निकालना चाहिए और पितरों का भी ध्यान करते रहना चाहिए। आप पितरों की पूजा पाठ करें अथवा ना करें, ये नियम अगर आपने बना लिया है तो आपके पितर आपसे नाराज रह ही नहीं सकते हैं, आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनानी चाहिए और करनी चाहिए और इनका प्रतिफल भी हमें जल्द देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप नियम बना लें। अब दोस्तों, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हमारे पितर हमारे सपने में आते हैं, ये स्वप्न का तो एक अलग ही महत्व होता है। स्वप्न किस समय देखा गया है और कैसे देखा गया है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है दिन भर हम किसी चीज़ की बातें करते हैं तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाता है, और जब हम सोते हैं और बहुत गहरी नींद में हम नहीं होते हैं तभी वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती है और हमें ऐसा लगता है कि हम स्वप्न देखते हैं। सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का देखा गया स्वप्न होता है, ऐसी मान्यता है कि वह स्वप्न सत्य होता है, लेकिन यदि बार बार आप देखते हैं तो एक बार का देखा हुआ स्वप्न सही नहीं होता है, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं लगाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने बिस्तर पर बैठकर भोजन ना करें, जूठे बिस्तर पर मतलब बिस्तर में यदि जूठा है तो भी आपको ज़्यादा स्वप्न आते हैं, ठीक है। बिस्तर को साफ़ सुथरा झाड़ कर रखें, सोते समय अपने पैरों को धोकर सोएं और अपने ईश्वर का ध्यान करके हम सोते हैं तो हमें कभी फालतू के स्वप्न, डरावने स्वप्न, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। लेकिन मान लीजिए फिर भी आपके पितर, आपके पूर्वज, आपके मृत परिजन बार बार आपको दिखाई देते हैं, तब ये इनका उनका संकेत माना जाता है। अब ऐसे में वो क्या करते हैं, आपको स्वप्न में क्या दिखाते हैं, आपसे कुछ मांगते हैं या फिर आपको कुछ देते हैं या फिर रोते बिलखते हैं, उनका क्रियाकलाप क्या होता है, इस पर थोड़ा सा आपको गौर करने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपसे वो कुछ मांग रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो परेशान हैं, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत है, आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है, तब आपको थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है। ऐसे में आपको अपने पितर से क्षमा प्रार्थना मांगनी चाहिए और उनके निमित्त काले तिल डालकर एक लोटा जल भगवान सूर्य को देना चाहिए। वैसे तो आप सूर्य को हर दिन जल देते हैं, लेकिन जब आपको ये स्वप्न आने लगे तो काले तिल डालकर भगवान, क्योंकि भगवान सूर्य भी हमारी आत्मा के कारक होते हैं और हमारे पूर्वजों के कारक भी होते हैं, क्योंकि सूर्य सृष्टि के कारक हैं तो वो हमारे पूर्वज ही माने जाते हैं। तो आप यदि सूर्य को जल देंगे तो हमारे पितरों तक पहुँचता है और उनके आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए आपको काले तिल डालकर एक लोटा जल दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके देना चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा, इसीलिए यम की दिशा में मैंने आपको पिक्चर लगाने की बात कही है। तो ये कार्य आप करें, और ज़्यादा आपको लगातार ये आ रहा है तो आप भोजन का दान करें, श्राद्ध तर्पण कर लें, थोड़ा सा पितरों के लिए समय निकाल कर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो धीरे धीरे वो स्वप्न आने बंद हो जाते हैं और आपको उसका कोई अशुभ परिणाम भी नहीं मिलता है। वहीं पर यदि पितर आपको कुछ देते हैं, उपहार देते हैं, खाने पीने की चीज़ें देते हैं, वो आपके लिए शुभ संकेत है, यानी आपके घर में कोई खुशियाँ आने वाली हैं, आपके घर में कोई नवजात शिशु का जन्म होने वाला है या फिर आपके घर में कोई मंगल शुभ कार्य होने वाले हैं। पितर हमें कुछ देते हैं तो इनका आशीर्वाद समझा जाता है, कुछ मांगते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो हमसे अतृप्त हैं, ठीक है। तो इसलिए उनका देना हमारे लिए शुभ होता है। तो आप में से बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में सारी चीज़ें करके डिटेल में समझाती हूँ। तो ये अर्थ लगाया जाता है, पूरा 101% इसमें कोई सत्यता नहीं होती है, ये हमारे मानने पर, हमारे विश्वास पर होता है। तो आप इसे समझें, और इस तरह से यदि हम अपने पितरों के पिक्चर तस्वीर इस दिशा में लगाते हैं और शुभ तिथियों पे, जैसे कि जिस दिन उनका देहावसान हुआ है जिस तिथि पर, उन तिथियों पर दीपदान, भोजन का दान,
श्राद्ध तर्पण करते हैं या फिर पितृ पक्ष में उनके नाम से श्राद्ध तर्पण करते हैं अथवा अमावस्या तिथि पे। ये सारे दिनों में आप पितरों के नाम से कुछ भी करते हैं तो पितरों को ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। और हम जीव जंतुओं की बात करें तो कौवा सबसे अच्छा माना जाता है पितरों तक भोजन पहुँचाने के लिए, इसीलिए श्राद्ध तर्पण में लोग भोजन ले लेकर कौवों के लिए ढूंढते रहते हैं। ठीक है, तो आप कौवों को भी भोजन खिला सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियो के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।